नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी कहानी वाली टूरिज्म वाली मीना तिलकराज। दोस्तों, आज योग दिवस है तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो योग के बारे में बहुत लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, और ये जो शब्द है योग, इससे हर कोई वाकिफ़ है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अब तो पूरी दुनिया में लोग वाकिफ़ हैं। और देखा गया है आजकल कि थोड़ा ट्रेंड भी चल गया है कि जगह जगह पार्क्स में देखो तो लोग बैठ के कोई ध्यान कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई प्राणायाम भी कर रहा है, और ऑनलाइन में भी होता रहता है, घरों में भी होता रहता है, फिर लोग हॉल बुक करके वहाँ पर भी करते रहते हैं। तो कहते हैं जी हम योग कर रहे हैं, तो कर रहे क्या है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई हठ योग कर रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई बहुत कुछ कर रहा है। तो ये सब जो है इसके लिए कहा जाता है हम योग कर रहे हैं, लेकिन ये सारी जो है ना, ये सिर्फ इतना सा योग नहीं है, योग इससे कहीं बड़ा है। और ये सब जो है, ये सब योग की सीढ़ियाँ हैं, छोटी 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 सीढ़ियाँ हैं, जी हाँ। और जो योग का स्कोप है, वो अगर आप सोचो कि सिर्फ शरीर को हेल्दी बनाना है या अपने सांस को समझना है ना, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, माइंड को शांत करना है, सिर्फ वो नहीं है, उससे कहीं 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 आगे है जी। आपको मैं बताऊंगी ना तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, हैरान भी होंगे, और आपको ये भी लगेगा, खुश भी होंगे कि अरे बहुत कुछ, इतना कुछ कर सकते हैं योग के साथ में। जी हाँ, बहुत कुछ होता है योग में, ठीक है। तो वो सब जानने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि योग जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है। जो योग शब्द है ना, हम योग बोलते हैं हिंदुस्तान में, अपने भारत में, पश्चिम बाहर के लोग जो हैं वो मतलब उनके लिए योगा हो जाता है, क्योंकि वो लोग योग कहकर ना वहाँ रुकते नहीं हैं। जैसे राम को रामा बोलते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं, ऐसे योग को योगा बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो क्या है योग? योग का जो शब्द है उसका मतलब होता है कनेक्शन या जोड़। आज आपको देखो हर जगह बोलते कनेक्ट करो। आप ऑफिसेज में जाओ तो कहते हैं कि कनेक्ट विथ वन अनदर। तो अगर वैसे ही बिजनेस की बात करें तो बोलते हैं पीआर करना पड़ता है, पब्लिक रिलेशंस करना पड़ता है। तो नेटवर्किंग करनी होती है, नेटवर्किंग के साथ में कनेक्ट करो जितने लोगों के साथ में, ठीक है, कनेक्ट करो। रिश्तों में भी आपको ना कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर जगह कनेक्ट कनेक्ट होता है। तो ये जो कनेक्शन है उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, उसके ज़रिए ही सब कुछ होता है। तो योग में हम कनेक्ट करते हैं। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ कनेक्ट करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम मन से जो भी टॉपिक हमारे मन में है, जो भी सोच है हमारी उस वक्त, जिस चीज़ के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में, हम उससे जुड़ते हैं। फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने मन को अपने शरीर से जोड़ते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, राइट। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांस से जुड़ते हैं, जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जल्दी लेते हैं, तेज से लेते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हम अपने शरीर को अपने मन को सांस से जोड़ते हैं। और जब हम जोड़ते हैं तो हम करते क्या हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में हम सचेत होते हैं, अवेयर होते हैं, और उसको उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं तब हमें पता लगता है कि क्या हो रहा है,
और जब क्या हो रहा है पता लगता है, तो हमें लगता है कि हम ऐसे सोचते हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे सोचते हैं तो अच्छा लगता है, तो वो भी उसकी भी पहचान होने लग जाती है। खैर, ये जैसे मैंने कहा, ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ। तो एक्चुअली कहाँ तक जाता है योग? अरे, योग की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। क्योंकि ठीक है, आप प्राणायाम या हठ योग करोगे तो शरीर के साथ जुड़ते हो या सांस के साथ जुड़ते हो, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, है, तो वो जो योग होता है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो तो असीमित है, असीम है। आप जो मर्जी चाहे सोच सकते हो, जो परे से परे चीज़ जो कभी इमेजिन नहीं कर सकते उसके बारे में भी सोच सकते हो, सब कुछ के बारे में सोच सकते हो। और योग ये भी है कि जो पूरी सृष्टि की, पूरी कायनात की जो शक्तियाँ हैं, आप उनसे जुड़ सकते हो। योग से आप अपने आप को उन शक्तियों के साथ में जोड़ो, मन से उनके बारे में सोचो। जब आप उनके बारे में सोचते हो और इमेजिन करते हो, क्योंकि फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप विजुलाइज करते हो, इमेजिन करते हो, और जब वो सोचते हो उसके बारे में, तो आप उसके साथ में उस वक़्त जुड़ते हो। तो ये है योग के बारे में कि तुम जिसके साथ, पूरी सृष्टि की कायनात के साथ जुड़ सकते हो। आप सोचो कि आपकी शक्ति और कायनात की शक्ति जुड़ के एक हो गए, सिंक्रनाइज हो गए, एक साथ मिल गए, तो क्या होगा? अरे, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात की शक्ति की कोई सीमा है? तो आपकी शक्तियाँ कितनी बढ़ जाएंगी? आपकी मेमोरी, आपकी समझ, आपकी इंटेलिजेंस कितनी बढ़ जाएगी, है ना? इंसान जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से 5% तक अपनी शक्तियाँ यूज़ कर रहा है। जो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं, शायद वो 5 से 10%। 90% हमारी शक्तियाँ अभी तक अनयूज्ड हैं, टैप नहीं की हैं, सो रही हैं, सुप्त हैं, उनको जगाना है ना? तो वो हम मेडिटेशन की तरह, योग के द्वारा हम कर सकते हैं। कितनी बड़ी संभावना है, इतनी ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी संभावना है। रोज़ आप शुरू कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट से शुरू कीजिए, और धीरे धीरे कम से कम सुबह शाम 1 घंटा योग कीजिए, 1 घंटा मेडिटेशन। हाँ, आप फिजिकल एक्सरसाइज, हठ योग कीजिए, प्राणायाम करिए, वो ज़रूर करिए, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन असीम है, अनंत है, अपार है ना? तो वो आप करोगे तो ये हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह से जो योग है वो हमें पूरी सृष्टि की दैवी शक्तियों के साथ भी जोड़ सकता है। जो लोग धार्मिक होते हैं वो बोलते हैं हमें भगवान के साथ जोड़ देता है, लेकिन आपको पूरी सृष्टि के साथ जोड़ देता है, पूरी सृष्टि के साथ। तो हम जब मांगते हैं ना, हम बोलते हैं एक गाड़ी दे दो जी, भगवान हमें गाड़ी चाहिए, भगवान हमें मकान चाहिए, कोई बोलेगा भगवान हमें प्यारा सा बच्चा चाहिए। अरे, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बात है, योग तो बहुत बड़ा है। तो जब आप योग के साथ में आप मेडिटेशन करते हो, ऑब्जर्व करते हो, सचेत होते हो कि वो जब भी कर रहे हो तो उस वक़्त तुम्हें क्या महसूस होता है, तुम जब वो इमेजिन कर रहे हो तो तुम्हें क्या महसूस होता है, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये है कि योग जो है आपकी पूरी शक्तियों को खोल के रख देता है, क्योंकि जोड़ देता है पूरी शक्तियों को, कायनात की शक्तियों के साथ जोड़ देता है, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाती है ना? तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है, कितने मज़े की इन्फॉर्मेशन है ना? तो आप ये समझो और फिर आप योग करो। जब आप योग करते हो, सचेत होके करो, ठीक है? तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला मुझे सुनने के लिए, और आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं YouTube पे हूँ, मैं Facebook पे हूँ, और LinkedIn पे भी हूँ। मेरा नाम वहाँ पर है MINA मीना,
तिलक राज, TILAKRAJ, ये एक ही हूँ मैं। आप पीना तिलक राज डालोगे ना, और कोई नहीं, बहुत आसान है मुझे ढूंढना, ठीक है। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहो, वैसे तो आप मैसेंजर पर भी मैसेज डाल सकते हो, और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9868275724 पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय।